देखो ये हमारे पास जो मोबाइल फोन आया, ये ओप्पो का मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन में क्या दिक्कत है? इसमें पासवर्ड लगा है। क्या लगा है? अब इस मोबाइल फोन का हम लोगों को लॉक तोड़ना है, ठीक है। लॉक तोड़ने के लिए पहली बात तो ये ओप्पो का मोबाइल फोन है। किसका मोबाइल फोन है? इस मोबाइल फोन के अंदर अगर पासवर्ड लग गया तो उस पासवर्ड को हम लोग डोंगल के माध्यम से तोड़ेंगे। जब डोंगल के माध्यम से तोड़ेंगे तो डोंगल से इस बात का जरूर पता होना चाहिए कि उस सीपीयू के हिसाब से डोंगल काम करता है। इसके हिसाब से काम करता है। अब ये मोबाइल फोन पकड़ो, आज इस मोबाइल फोन को ये पूरा लॉक तोड़ के दिखाएंगे। ये सीनू झांसी के रहने वाले हैं। सबसे पहली बात ये बताओ, इस मोबाइल फोन में कौन सा लॉक लगा है? ये FRP लॉक लगा है, पैटर्न लॉक लगा है, ये पैटर्न लॉक लगा है। पासवर्ड में तो तुम अभी कुछ भी बदलते जा रहे हो, ये गलत बात है भाई। इसमें कौन सा लॉक लगा है? ऐसे दिखाओ स्क्रीन पे, ये कौन सा लॉक है जिसमें ड्रॉ करने वाला लगता है? उसको पैटर्न बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पिन। और जिसमें से अल्फा न्यूमेरिक आता है उसको पासवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासवर्ड। जिसमें ABCD123 है उसको पासवर्ड, और जिसमें खाली नंबर आए 123 उसको पिन बोलते हैं। और जिसमें ड्रा करने वाला है, जिसमें अंगूठा लगाने वाला है, जिसमें चेहरा वाला है, फिर अब ये पहचानना बहुत जरूरी है। पता चला तो कुछ करना है, तुम काम कुछ कर रहे हो, इसलिए पहली बार तो लॉक पता होना चाहिए। अब इस मोबाइल फोन में कौन सा मॉडल है, कैसे पता करोगे तुम? देख करके मॉडल। हाँ, इस देख करके। मान लो पर्ची नहीं लगी तो कैसे पता करोगे? पर्ची लगी तो कवर से पता करेंगे, या फिर बैटरी से पता करेंगे, या फिर फोटो लेकर पता करेंगे। और एक और कौन तरीका है ओप्पो के लिए? ओप्पो रियलमी के लिए मैंने मॉडल पता करने का एक कोड बताया था। हाँ, 899 है। अब इसमें से लिख के आ जाएगा, इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन में जाएंगे, कहीं सॉफ्टवेयर वर्जन आ रहा है? इसमें कितना लिखा है? CPS 1801। इसमें लिख के आ रहा है CPS 1801। अब आप यहाँ पर गूगल खोलिए, गूगल खोलने के बाद CPS 1801 को GSM अरीना से खोल करके हमको पूरा आगे का समझाइए। CPH 1801 स्पेस GSM अरीना। GSM अरीना एक हमारी अच्छी वेबसाइट है जो हमारे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को सारे इन्फॉर्मेशन बताने का काम करती है। OPPO 71 मॉडल इसने बताया, खोल लीजिए। जब OPPO 71 खोलेंगे तो आपके जैसा देखो, फोटो देखो आगे पीछे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। नीचे आइए, हमको इसमें ये पता करना है इस मोबाइल फोन के अंदर चिपसेट कौन सा लगा है। ऊपर चिपसेट लगा है, तुम नीचे कहाँ चले जा रहे हो? क्वालिकॉम, ठीक है। तो इसमें कौन सा चिपसेट लगा है भैया? तो क्वालिकॉम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर खुलेगा? हाँ, क्यूसी फायर। चलिए, अब ईडियल पॉइंट है कि नहीं है? वैसे ओप्पो रियलमी इन फोनों में ईडियल नहीं होता, इसमें प्लस माइनस चलता है। अब तुमको क्या करना है? क्यूसी फायर खोलना है। क्या खोलना है? क्यूसी फायर। क्यूसी फायर जो हम खोल लेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। क्यूसी फायर जो सॉफ्टवेयर होता है, ये क्वालिकॉम सीपीयू को सॉफ्टवेयर रिपेयर करने के लिए काम करता है। अब उसमें तुमको पैटर्न लॉक तोड़ना है, पिन लॉक तोड़ना है, या कोई भी लॉक तोड़ना है, वो इसके माध्यम से टूट जाएगा। अब हमारा जब ये सॉफ्टवेयर खुलेगा तो सॉफ्टवेयर खुलते समय इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नेट के स्पीड में हमारा सॉफ्टवेयर चलता है। यहाँ पर अगर एक बार खुलने में थोड़ा समय लगता है, डोंगल बुक बुक कर रहा है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, टाइम लीजिए, जल्दबाजी जबरदस्ती मत करिए। ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया। अब हमको क्या करना है? मोबाइल फोन कनेक्ट करा के देखना है। क्या करना है? फोन हमारा कनेक्ट कहाँ पर होता है? इसको मिनिमाइज कर लीजिए सॉफ्टवेयर को। आपको माई कंप्यूटर में जाइए, ये देखिए माई कंप्यूटर है, यहाँ जाके राइट क्लिक करिए। दिन में 10 बार खोलते हो तुम डिवाइस, मतलब ये नहीं खोल पाते। यहाँ पर क्लोज करो उसको, चार जगह घूम के जाओगे जलेबी की तरह, लेकिन सीधा जो रास्ता है वो नहीं जाओगे। अब इसको क्या करना है? मोबाइल फोन पहले डाटा केबल से कनेक्ट करना है। उस कनेक्ट करने से हमको लहर देखना है। क्या देखना है?
इस लहर से हमको यूएसबी डिटेक्शन पता चलता है। क्या पता चलता है? क्योंकि जब तक यूएसबी डिटेक्शन नहीं होगा तो हम मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर में कोई खेल नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग कस्टमर को बोलेंगे इसका जैक चेंज करना पड़ेगा। मोबाइल फोन को बंद करो, डाटा केबल लगाओ, डाटा केबल लगाओ, बंद मत करो। हाँ, ऐसे चालू फोन में डाटा केबल लगाइए। जैसे डाटा केबल लगाएंगे तो ये देखो ऐसे थुड़ुंग 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 ऐसा मैसेज आएगा, इससे ये पता चलेगा कि फोन में यूएसबी ले रहा है, मतलब डाटा प्लस डाटा माइनस सही है। जब तक डीपीडीएम सही होगा तभी तो चलेगा ना। यहाँ पर देखो डाटा केबल लगाने से मॉडल भी पता चल गया। देखो हमने लगाया था वहाँ पर ओप्पो 71 लिख के आया था, 1801 लिख के आया था, अब ये पता चल गया। अब डाटा केबल हटा लीजिए, फोन को शट डाउन करिए। नीचे लाओ, ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा के डाटा केबल लगा देना है। इससे क्या होगा, फोन हमारा पोर्ट बना के कनेक्ट हो जाएगा। इस मोड को हम लोग बोलते हैं बूटिंग मोड। क्या बोलते हैं? इसका वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों बटन दबाइए। वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए आपको क्या करना होता है, देखो यहाँ पावर बटन होता है तो वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों बटन ऐसे हाथों से पकड़ लो, ऐसे ऐसे दबा लिया। इस काम को क्या बोलते हैं, बूट की, पकड़ो पकड़। ये हम तुमको इसलिए बता रहे हैं ताकि पकड़ने का तरीका, ऑन आपको नहीं दबाना, हाँ ऐसे। लगाओ, कनेक्ट हो गया, रख दो, फोन कनेक्ट हो गया। यहां पर काम 5 बना के आया। यहां पर पोर्ट में क्लिक करिए, पोर्ट में क्लिक करिए, पोर्ट में जहां एरो बना वहां क्लिक करिए, फिर यहीं तुमको कान के नीचे मारेंगे हम। एरो होता है, एरो पे क्लिक किया था वहां। अब यहां पर लिखा है क्वालिकम HSQ लोडर काम 5। इसने कंप्यूटर ने इसको बोला काम 5, और यहां पर क्वालिकम बिल्कुल साफ सुथरा पोर्ट बन गया, तो इसका मतलब फोन हमारा कनेक्ट हो गया, हमारे कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर है और हमारा फोन कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज कर लीजिए, इसको भी मिनिमाइज कर लीजिए। अब अपना QC फाइल जो नीचे खोल रखा उसको ओपन कर लीजिए। हाँ, अब यहां पर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, रीड एंड टूल। कहां जाएंगे? बिल्कुल रीड एंड टूल में हम लोग जेनेरिक क्वालिकम एनी मॉडल। MI का फोन होता तो कोई मॉडल नहीं लेना पड़ता, लेकिन ओप्पो का फोन है तो मॉडल लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्लिक करिए, जेनेरिक क्वालिकम में क्लिक करिए, यहां पर ओ दबाइए। ओ दबाते ही ओप्पो की सीरीज आ जाती है, तो ओप्पो कहाँ है ले लीजिए। ओप्पो के बाद यहाँ मॉडल में चले जाइए। मॉडल में हमारा कौन सा मॉडल था? CPH 1801। अब देखिए ये CPH 1801 लिख क्या रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। ये क्या कह रहा है सुनिए, इस मॉडल को ओनली फॉर्मेट FS कर सकते हैं, FRP नहीं तोड़ सकते। इसका FRP स्टार है 813 है, इसे टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए, इस पर क्लिक करिए, फॉर्मेट FS ले लीजिए। हाँ ये बस एग्जीक्यूट करिए, यस। अब हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा, हाँ डालो, हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा। यहाँ पर लिख के आएगा काम 5। तो काम 5 से हमको ये समझ में आएगा कि पहले इसने हमारे फोन को ही पकड़ा है। किसको पकड़ा है? काम 5 लिख के आया, हमारे फोन को पकड़ा है। अब ये सॉफ्टवेयर पूरा चलेगा, सॉफ्टवेयर चलने के बाद पूरा ओके नीचे तक जाएगा। अब ये फॉर्मेटिंग यूजर डाटा, यूजर डाटा फॉर्मेटिंग फिनिश। देखो यूजर डाटा डन, डिस्कनेक्ट मोबाइल फोन, डाटा केबल हटा लीजिए। अब ये हमारा मोबाइल फोन फॉर्मेट हो गया, लेकिन फॉर्मेट होने के बाद इसने FRP को नहीं तोड़ा। अब मोबाइल फोन चालू करिए, जब मोबाइल फोन चालू होगा तो इस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया है, तो हमारा मोबाइल फोन पूरा क्या हो गया है, फॉर्मेट हो गया। जब पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, पूरा फर्स्ट क्लास मोबाइल फोन चालू होगा, और नेक्स्ट पूरा पहले की तरह सेट करना पड़ेगा, फोन हमारा ओके हो जाएगा। अब ऐसे दिखाओ, इस वीडियो को हम लोग YouTube में भी अपलोड करेंगे। इस वीडियो को ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार देखना, क्योंकि हम ये जो तुमको बार बार बता रहे हैं ये अलग अलग मोबाइल फोन के स्टेप्स हैं। अगर आपके पास कोई भी फोन आएगा तो आप इसी तरीके से काम करेंगे।
रीसेट फोन करिए, मोबाइल फोन पूरा हमारा रीसेट हो गया। अगर इस मोबाइल फोन को हम फॉर्मेट करते तो फॉर्मेट करते समय भी पासवर्ड मांगता, ये ऐसे फॉर्मेट नहीं होता, तो ये टूल से फॉर्मेट होता है। हाँ, और जो फॉर्मेट हो जाते हैं तो एफआरपी पे फंसा देते हैं। ऐसे दिखाइए सामने से, अब ये मोबाइल फोन जब फॉर्मेट हो जाएगा तो हम लोग पूरा नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे एफआरपी वाले पोजीशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। वाईफाई कनेक्ट करेंगे, अब हो सकता है एफआरपी लगा होगा तो मांगेगा, नहीं लगा होगा तो नहीं मांगेगा। बहुत ऐसे मोबाइल फोन होते हैं जो एफआरपी नहीं मांगते, क्यों नहीं मांगते, क्योंकि कस्टमर ने एफआरपी को लगाया नहीं, ऑन ही नहीं किया या कैसे बंद कर रखा है। जैसे आज गौरव ने एक मोबाइल फोन था उसको रीसेट किया, रीसेट करने पर पूरा मोबाइल फोन चालू हो गया, उसने एफआरपी मांगा ही नहीं। कुछ फोन एफआरपी मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, नहीं मांगते तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर दीजिए। जब मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाता है तो फॉर्मेट होते समय जब मोबाइल फोन चालू होता है तो मोबाइल फोन के स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मोबाइल फोन 16 GB का है, 32 GB का है, 64 GB, 128 GB का, जितना GB का होगा उतना फॉर्मेट होने के बाद उसको समय लगता है ऑन होने में, क्योंकि स्टोरेज को पूरे को काउंट करता है वो। मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग के लाइन में जिस बंदे का सॉफ्टवेयर का तो काम है, जिस बंदे को बूट की के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, मोबाइल फोन को सही पहचानना आएगा, मोबाइल फोन को ड्राइवर के बारे में नॉलेज होगा, फोन को कनेक्ट कराना आएगा, अगर ये 4-5 चीजें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो समझ लीजिए फिर बाकी खेल तो सॉफ्टवेयर का सामने स्क्रीन में दिखता है। सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, वो तो काम करेगा, तुमको तो कुछ करना ही नहीं। तुम्हारा काम है फोन को कनेक्ट कराना, ड्राइवर को सही से पकड़ कराना। मोबाइल फोन कई बार आड़े टेढ़े फोन ऐसे आ जाते हैं जो ड्राइवर को लेकर के परेशान करते हैं। कंटिन्यू करिए, वाईफाई कनेक्ट करिए, वाईफाई नहीं कनेक्ट करोगे तो घुमा के ले जाएगा जलेबी की तरह, फिर वहीं ठाड़ कर देगा। @711 ये लो, आगे बढ़ो, कंटिन्यू करेंगे। फोन को हमेशा हाथ में रखा करो, यहां से ऐसे साथ में रिकॉर्ड करो। यहाँ पर चेकिंग अपडेट्स में चेक कर रहा है, वो ये देख रहा है कि इसमें जीमेल तो नहीं लगा। अगर जीमेल लगा होगा तो जीमेल के लिए यहाँ पर शो करेगा, अगर नहीं लगा होगा तो नहीं शो करेगा। ये देखिए, रुकिए, यहाँ पर जीमेल लॉक लगा है, या तो हमको जीमेल लॉक पता होना चाहिए। अगर जीमेल लॉक नहीं पता तो देखिए, इसके लिए बैक करिए, सामने ऐसे स्क्रीन पर रखिए ताकि सबको दिखाई देता रहे। बैक करिए, बैक करते 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 बिल्कुल मेन स्क्रीन पर ले आइए। अब इस इमरजेंसी में जाओ, यहाँ पर कोड टाइप करो, स्टार है 813 हैश, कॉलिंग करो, सेटअप फोन, बस देखो स्क्रीन आ गई, एफआरपी गायब हो गया। जितने भी 10 वर्जन से नीचे हैं उसमें से एफआरपी को ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ये एफआरपी को हटाने का तरीका है, किसका तरीका है? एफआरपी को हटाने का तरीका, लॉक तोड़ने का तरीका। पूरा फोन हमारा फ्रेश कैसा हो गया? नया हो गया। हो गया, इस तरीके से हम लोग जो भी मोबाइल फोन आते हैं उसे लॉक खोल सकते हैं। देखो अभी 10 वर्जन के नीचे वाले को